अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। उम्मीदवारों के ऐलान का शोर सुनाई दे रहा है। हर दल अपने अपने पत्ते साफ कर रहा है। अब कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। बता दें कि कांग्रेस ने बुलंदशहर से सुशील चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नौगावां से डॉक्टर कमलेश सिंह को टिकट दिया है। टूंडला विधानसभा से स्नेहलता को कांग्रेस ने टिकट दिया है। घाटमपुर से कृपाशंकर को उम्मीदवार बनाया गया है। देवरिया से मुकुंद भास्कर त्रिपाठी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। बांगरमऊ से आरती वाजपेयी को पहले ही टिकट दिया जा चुका है। वहीं मलिनी सीट पर अभी प्रत्याशी का नाम तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही मलिनी सीट पर भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है, लेकिन बीजेपी के लिए उपचुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। हाथरस मुद्दे को लेकर विपक्ष हावी है, सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां सड़कों पर उतरे, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने हाथरस से दलित एजेंडे को बल दिया। विपक्ष का दावा है कि सरकार की पोल खुल गई है। समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर साजन कहते हैं कि हाथरस की घटना का असर तो पड़ेगा ही। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को देश दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। अब देखना यह है कि किसे इसका माइलेज मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।